बाल चौपाल बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगी। उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इस लेख को हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से और इसे लिखा है श्वेता ने। बच्चों, तुमने चार्ल्स डार्विन का नाम अपनी विज्ञान की पुस्तकों में जरूर ही पढ़ा होगा। डार्विन को हम एक महान वैज्ञानिक के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ठोस तथ्यों के आधार पर इस बात का पता लगाया था कि मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई है। उन्होंने ये भी पता लगाया कि पूरे प्राणी जगत के विकास के कुछ निश्चित नियम हैं और मनुष्य उस विकास प्रक्रिया का सबसे उन्नत कड़ी है। प्राणी और वनस्पति जगत दोनों ही निरंतर बदलते रहते हैं। वे अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जो अड़ियल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो अपने को बदल लेते हैं वे विकास की अगली मंजिल में पहुंच जाते हैं। जब तक और जहां तक उनका बदलना जारी रहता है, उनके विकास का सिलसिला भी तब तक आगे बढ़ता रहता है। डार्विन की एक खोज विकासवाद एवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपनी इस खोज को प्रमाणों सहित प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित भी किया है। कोपल के इस अंक में हम डार्विन के जीवन और उनकी खोज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को शूसबरी इंग्लैंड में हुआ था। वे बचपन से ही शांत, गंभीर और पैनी दृष्टि वाले थे। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे रंगीन पत्थर, सिक्के, पंछी, अंडे, फूल, कीट पतंगे आदि इकट्ठा करने का शौक था। डार्विन का परिवार काफी संपन्न था। उनके पिता एक सफल चिकित्सक थे। डार्विन का हृदय अपनी माँ की तरह बेहद कोमल था। किसी पर भी अन्याय होता देख उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। जब डार्विन 8 बरस के थे तब उनकी माँ चल बसी। उनके पिता ने उन्हें उस वक्त स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे लैटिन, ग्रीक और गणित में उनका तनिक भी मन नहीं लगता था। उनका मन तो कुछ दिलचस्प करने के लिए बेचैन रहता। डार्विन ने अपने पिता के बगीचे में ही एक गुप्त प्रयोगशाला बना डाली। वे वहाँ तरह तरह के रासायनिक प्रयोग किया करते थे। डार्विन द्वारा किए जाने वाले इन रासायनिक प्रयोगों के कारण स्कूल के लड़कों ने उन्हें गैस डार्विन नाम से पुकारना शुरू कर दिया। डार्विन के इन प्रयोगों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया और एडिनबरा विश्वविद्यालय में उनका दाखिला चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई के लिए करवा दिया। हालांकि डार्विन को चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई भी काफी अरुचिकर लगी, लेक्चरों को सुनना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ऑपरेशन कक्ष में एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था। डार्विन भी वहां मौजूद थे। उस समय तक बेसुध करने वाली दवा का आविष्कार नहीं हुआ था। ये दवा ऑपरेशन के पहले रोगी के अंगों को सुन्न करने के काम आती है, जिससे ऑपरेशन की चीड़ फाड़ के दौरान रोगी को कष्ट ना हो। अंगों को बिना सुन्न किए ऑपरेशन करने से बच्चा तकलीफ से छटपटा रहा था। बच्चे की छटपटाहट डार्विन को देखी नहीं गई। वे ऑपरेशन कक्ष से बाहर आ गए। बाद में उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार ही त्याग दिया। इसके पश्चात
डार्विन के पिता ने चाहा कि वे धर्मोपदेशक बने। इसी उद्देश्य से वे कैम्ब्रिज में दाखिल हुए। हालांकि 3 वर्षों के दौरान वहां पढ़ते हुए उनके भीतर धर्मोपदेशक बनने की तनिक भी रुचि पैदा नहीं हुई, लेकिन यहां उनके साथ उनके जीवन की दिशा को मोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण घटना घटी। डार्विन की मुलाकात यहाँ के प्रोफेसर हेंसलो नामक वैज्ञानिक से हुई। प्रोफेसर हेंसलो की सिफारिश पर डार्विन को बिना वेतन के सहायक के रूप में वेगल नाम के जहाज पर काम मिल गया। इस जहाज का उद्देश्य था दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई द्वीपों की भौगोलिक और प्राकृतिक जांच पड़ताल करना। विगल की समुद्री यात्रा 5 साल तक चली। यह यात्रा बहुत तकलीफों और परेशानियों से भरी हुई थी। डार्विन इस दौरान काफी अस्वस्थ रहे, पर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने विकासवाद के सिद्धांत के लिए उन्होंने इस यात्रा के दौरान भरपूर तथ्य इकट्ठा किए। यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका में मौजूद गुलामी की प्रथा भी देखी। उन्हें उन लोगों के प्रति बेहद नफरत पैदा हुई जो दूसरों को केवल अपने फायदे के लिए गुलाम बनाते थे। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। बीगल की यात्रा की समाप्ति और वापस लौटने के बाद डार्विन ने सबसे पहले बीगल की यात्रा नामक पुस्तक लिखी। बाद में उन्होंने यात्रा के दौरान विकासवाद के लिए जुटाए गए तथ्यों को आधार बनाकर प्रजातियों की उत्पत्ति नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। यह पुस्तक वर्ष 1858 में प्रकाशित हुई। पुस्तक के प्रकाशित होते ही धर्म की दुनिया में हलचल मच गई। धर्म अभी तक यह बताते आ रहा था कि ईश्वर ने अपने चमत्कार से मनुष्य को पैदा किया है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने धर्म की इस धारणा पर सवाल खड़ा करते हुए यह बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर जैसे प्राणी से हुई है। इस धारणा का खूब मजाक उड़ाया गया। उस समय 1860 में अंग्रेज बिशप विल्वरफोर्स ने डार्विन के सिद्धांत पर यह घोषणा की कि यह शिक्षा धार्मिक रचनाओं के खिलाफ है और ईश्वर को नकारती है। हालांकि उस समय थॉमस हक्सले नामक जीव वैज्ञानी ने डार्विन के सिद्धांत पर जोरदार समर्थन किया और बिशप के खिलाफ खड़े हुए। विज्ञान की यही विशेषता है कि वह हर उस चीज को चुनौती देता है जो तर्क पर आधारित नहीं है। इसलिए धर्म और ईश्वरी विधान का सबसे बड़ा शत्रु विज्ञान की तार्किकता ही है। तो बच्चों, अभी आपने सुना एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के बारे में। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सह
सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।